उसको अपनी वैंस भेजनी चाहिए थी जैसे शीला दीक्षित जी की सरकार करती थी, उसको कैसे भी उसका रेट वो अपने आप डाउन लाते। 100 रुपए किलो प्याज, यही इनका आत्मघाती इनका एक कदम है और इनको जाना पड़ेगा। हम गरीब को रोते हुए आंसू बहाते हुए नहीं देख सकते। ये आपके और मेरे पैसे से इश्तिहार दे रहे। मेरे साथ बालाराम गंगवाल जी हमारे एक्स एमएलए साहब खड़े हैं, मैंने उनके इलाके में भी पूछा, सब जगह यही हाल है। कुछ जगह देखा जा रहा है 23 रुपए 90 पैसे। नहीं देखिए नारा क्या था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा ये हो गया है, बहुत हुई मोदी की मार, महंगाई की मार, मोदी के साथ साथ अब केजरीवाल गरीब आम जनता को तू भी आर मार। 100 रुपए किलो प्याज, जमाखोरों की सरकार है अरविंद केजरीवाल सरकार, खुलकर कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज बीजेपी के विपक्ष नेता ने भी कहा है कि जमाखोरी हो रही है। उस विपक्ष से भी कहूंगी, आप भी मिले हुए लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार जमाखोरों के साथ। अगर आपको पता है जमाखोरी हो रही, पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, जांच एजेंसियां आपकी, क्यों नहीं जमाखोरों को ढूंढ कर आप उन पे कार्रवाइयां कर पा रहे हैं? पर यकीन है कांग्रेस आज सड़कों पर उतरा है, आम जनता की लड़ाई को लेकर, महंगाई के खिलाफ उतरा है। पूरा यकीन है 2 दिन के अंदर प्याज के दाम नीचे लाएंगे, क्योंकि ये जमाखोरों से मिल गए हैं। अब देखिए जमाखोरियों के खिलाफ किस तरीके से इस आंदोलन के बाद ये कार्रवाई करना शुरू करते हैं। अरे भाई अड़िए पीछे हो जाए यार दोस्त। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, बंद करो।